हेलो गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वीमेयर वर्कस्टेशन प्रो 16 में विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको नहीं पता कैसे वीमेयर इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप वीडियो देख के सीख सकते हो कि कहाँ से इसको इंस्टॉल करें, कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में वीमेयर ओपन कर लेना है, जो भी इंस्टॉल है आपके सिस्टम पे, और क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है आपको। उसको टिपिकली पे मार्क करके नेक्स्ट कर देना है, और इसमें नीचे आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग लेटर पे क्लिक करके आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, कौन सा वर्जन 10, तो उसको सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट कर देना है। और इसमें ब्राउजर में आप जो इसकी फाइलें इंस्टॉल होगी वो उसका आप पाथ दे सकते हो। आप चाहो तो डी ड्राइव, सी ड्राइव, डेस्कटॉप, जहाँ आपकी मर्जी हो जाओ, तो आप नया फोल्डर बना के इसके नाम से इस प्रकार से उसमें इसका जो भी फाइलें इंस्टॉल होगी वो इसी के अंदर होगी, तो ये सेट कर सकते हो। और ये जो हार्ड डिस्क है, इसका जो स्टोरेज है उसका आप स्पेस दे सकते हो। स्टोर वर्चुअल एक सिंगल फाइल बनेगी, ये नीचे जो ये कस्टमाइज, इसके हार्डवेयर में कस्टमाइज कर सकते हो, और आप फिनिश कर लेना है। दोस्तों, ये इसकी सेटिंग हो चुकी है। अब इसके हार्डवेयर की कुछ सेटिंग करनी है, तो ये इसका हार्डवेयर दिया हुआ है, कितनी रैम है, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, रोम। तो आपके पास में अगर फिजिकली रैम ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, 4GB कर सकते हो, पर जो एक्चुअल में आपकी रैम है उससे 1 या 2GB कम ही रखे। उसके बाद में सीडी रोम, जिससे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, पेन ड्राइव है या कोई ISO फाइल है, तो उसका आप पाथ दे दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे भी है आपका इमेज में, ISO फाइल में, तो उसका यहाँ पे आप पाथ दे दीजिए। जैसे मेरे पास में ये विंडो 10 की ISO फाइल है, उसका मैं ये पाथ दे रहा हूँ, ये मेरे पास में इमेज नाम के फोल्डर में है। उसके बाद ओके कर लेना है। और दोस्तों, ये वीमेयर की सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद में आपको वीमेयर को ये इसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए है, और उसके बाद में ये ऊपर इसका जो मेन्यू बार है वो ऊपर हो जाएगा, और इसको पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है तो ये ऑन हो जाएगा। और बीच में आपको डबल क्लिक कर लेना है और कोई भी टिक दबा देना है, बार जैसे स्टार्ट होता है तो वो इससे बूट हो जाएगा। दोस्तों, ये देख पा रहे हो आप विंडो 10 की जो ये ISO फाइल थी उससे ये बूट हो चुका है, और ये इससे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, ये सेटअप इज स्टार्टिंग, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, जो भी ऑपरेटिंग का वर्जन है आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव है, मैंने 60GB दिया था, तो हो सकता मैं एक 40GB का पार्टीशन बनाऊंगा और बचेगा उसका एक नया पार्टीशन बनाऊंगा, तो ये 40 के 3 0 लगा दूंगा मैं, तो ये 40GB के अराउंड इसका स्पेस हो जाएगा। और एक ये 20GB के समथिंग बचा हुआ है, उसका भी मैं एक नया पार्टीशन बना दूंगा। चाहो तो आप एक ही पार्टीशन बना सकते हो, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से। और इनको फॉर्मेट करके, जैसे 40GB का मैंने ड्राइव सेलेक्ट किया और मैं इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा, नेक्स्ट कर दूंगा। ये विंडोज की फाइलें कुछ कॉपी होने जा रही है। ये मैंने दोस्तों वीडियो है ना
फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, कुछ जगह मैंने वीडियो स्किप किया हुआ है, तो ऐसा नहीं समझे कि हमारे सिस्टम में बहुत स्लो हो रहा है और ये सिस्टम में बड़ी फास्ट हो गया है। तो मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, कुछ जगह पर स्किप किया हुआ है, तो ऐसा ना समझे, ये रिस्टार्ट होगा, या तो आप रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों जैसे रिस्टार्ट होता है ये, उसके बाद में आपको कोई भी की नहीं दबानी है, बस ये ऑटोमेटिकली अपने आप वो जो जहाँ से लास्ट पॉइंट छोड़ा था वहीं से ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वापस से जो भी पेंडिंग इंस्टॉलेशन था वो उसका सेटअप इंस्टॉल कर रहा है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा जवाब देने का। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। तो वापस से रिस्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये कॉर्टन आ गया है। कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप बोल के इसको बता सकते हो। ये आपका यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेना है आपको, जैसे मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। ड्रॉप डाउन करके अपनी जो भी कंट्री है वो सेलेक्ट कर लीजिए और यस कर देना है। इसके बाद में आपको इसका जो कीबोर्ड का लेआउट है वो इंग्लिश इंडिया रख के, और यहाँ पे स्किप कर दूंगा मैं। और ये यहाँ पे आपका जो भी कंप्यूटर है, आप जो भी नाम लेना चाहते हो यूजर का वो क्यूब नॉलेज मैंने नाम दे दिया है, आप जो भी मर्जी है वो अपना नाम दे सकते हो। और ये पासवर्ड अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हो आप। और इसके बाद में मैं यहाँ पे कोटना को नो करूँगा। और दोस्तों ये वीमेर वर्क स्टेशन 16 वर्जन में जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये विंडोज लगभग इंस्टॉल हो चुका है। तो आप इस प्रकार से वीमेर वर्क स्टेशन प्रो में विंडो इंस्टॉल कर सकते हो, और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप बहुत सारे लिनक्स है, विंडो 11 है, विंडो 10 है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये दोस्तों लगभग विंडोज कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो देखो